पिछले एपिसोड में आपने देखा वंडर वुमन और सुपरमैन के साथ हुई लड़ाई से निकलकर बैटमैन और बाकी टीम अपने बेस पर लौटते हैं। दूसरी तरफ हॉकमैन हॉक गर्ल को लेने आता है पर हॉक गर्ल उसे मना कर देती है। तब थोड़ी लड़ाई के बाद हॉकमैन हार के खुद चला जाता है। सुपरमैन के सुपर आर्मी बेस कोरिया में कोई अंदर घुस रहा होता है। दूसरी तरफ लंदन के बेस में भी एक लेडी अंदर जा रही होती है। तब वो लेडी अंदर जाके रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि क्या मैं यहाँ के इंचार्ज से बात कर सकती हूँ। तभी बारबरा अपने ओरेकल बेस से सबको बोलती है कि सारे एजेंट्स अपनी अपनी जगह पर हैं। पर तभी बारबरा को कोई रुकने को कहता है। दूसरी तरफ स्मॉलविल में सुपरमैन किसी इवेंट में आया हुआ होता है, पर तभी वहाँ का एंकर सुपरमैन से माफी मांगते हुए कहता है कि उसके माता पिता क्लार्क कैंट डे सेलिब्रेट करने नहीं आ सकते। पर तभी हम किसी को स्मॉलविल की एक बिल्डिंग में देखते हैं जो कि बारबरा से कहता है कि अब सब पोजीशन पर हैं। वहीं पर वो एंकर सुपरमैन के सामने उसका स्टैचू रिवील करता है कि अगले ही पल हम देखते हैं रोग्स को तीन अलग अलग जगह धमाके करते हुए। तभी स्मॉलविल की भी उस बिल्डिंग में एक जबरदस्त धमाका होता है और हम देखते हैं गोल्डन ग्लाइडर को लंदन बेस से भागते हुए और स्मॉलविल में सुपरमैन को वो सारी तबाही देखते हुए। तब हॉल ऑफ जस्टिस से साइबॉर्ग सुपरमैन को बताता है कि उनके दो आर्मी बेस पर अटैक हुआ है, पर तभी सुपरमैन उसे बताता है कि तीन जगह अटैक हुए हैं तो इस जगह को मैं हैंडल करता हूँ। और तभी सुपरमैन अपनी विजन बीम से उस तबाही वाली जगह को बर्बाद कर देता है। तब वो हॉल ऑफ जस्टिस को रिपोर्ट करता है कि यहाँ की मुसीबत खत्म हुई, क्या सब ठीक है। तभी साइबॉर्ग सुपरमैन को बताता है कि अभी दो जगह और धमाके हुए हैं, हमने सबको काम पर लगा दिया है, पर हाइपरसोनिक स्पीड से जाने पर भी हमें 30 मिनट लग जाएंगे। तब सुपरमैन साइबॉर्ग से पूछता है कि हो क्या रहा है, जिसपे साइबॉर्ग कहता है कि मैंने सबको काम पे लगा रखा है, हेल थोड़ा लेट है पर बाकी सब आसपास हैं। तभी हेल साइबॉर्ग को बताता है कि यहाँ ना ही किसी की जान गई है ना ही यहाँ कोई है, जिसपे साइबॉर्ग हैरान होकर बोलता है कि ये हो क्या रहा है, ये सब इतनी सफाई से कौन कर रहा है। तब सुपरमैन कहता है कि ये बैटमैन के काम है। तभी साइबॉर्ग सुपरमैन से कहता है कि एक और बुरी खबर है, लेक्स ने सुपर पिल बनाना बंद कर दिया है जिसकी वजह से हमारी आर्मी खतरे में है। तभी सुपरमैन तुरंत वहां से निकलता है, जिसे जाता देख साइबॉर्ग बोलता है कि हमारी अच्छी बातचीत हुई। दूसरी तरफ जर्मनी में सुपरमैन का क्लोन हर जगह हो रहे धमाके देखकर कहता है कि बुरे लोग बुरे काम कर रहे हैं। तभी उसका ख्याल रख रहा बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ अच्छी बात ये हुई कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तभी वो क्लोन खड़ा होकर बोलता है कि ये काम है सुपरमैन का। दूसरी तरफ फ्लैश और लेक्स मिलके सुपर पिल के प्रोडक्शन को वापस शुरू करने के लिए एक नए प्लांट को डिजाइन कर रहे होते हैं। तभी सुपरमैन वहां के लेक्स से पूछता है कि पिल्स का प्रोडक्शन बंद क्यों हो गया, जिसपे लेक्स उसे कंटेमिनेशन के बारे में बताता है। पर तभी फ्लैश कहता है कि तुम्हें पिल्स की जरूरत है ही क्यों, अब तुमने तो बुरे लोगों को रखना शुरू कर दिया है। तब सुपरमैन गुस्से में फ्लैश की तरफ देखता है, फिर वो वहां से जाते हुए कहता है कि प्रिजन का कंस्ट्रक्शन कब तक शुरू होगा, जिसपे फ्लैश कहता है कि अभी नहीं हो सकता। तब सुपरमैन वहां से निकलते हुए बोलता है कि बस जल्दी से काम पूरा करो। दूसरी तरफ हम सेंट्रल सिटी में ट्रिक्स्टर को देखते हैं, जो कि अपने व्हीकल से सारे रोग्स को ट्रेस करता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, ये सोचते हुए कि कैप्टन कोल्ड ने मुझे बाहर निकाल दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं रोग का हिस्सा नहीं हूँ। ऊपर से अभी कैप्टन कोल्ड खुद गायब है, जिसका मतलब मुझे ग्रुप के साथ होना चाहिए। तभी ट्रिक्स्टर आसमान में किसी लाल चीज को देखता है। दूसरी तरफ रोग्स सुपरमैन के आर्मी के लोगों को मिरर डायमेंशन के थ्रू कहीं और भेज रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक दीवार टूट जाती है और तब वो देखते हैं कि उनके आगे सुपरमैन जैसा कोई खड़ा है। ट्रिक्स्टर तुरंत रोग्स की लोकेशन के पास पहुंचता है, ये सोचते हुए कि अगर वो लाल चीज वही है जो मैं सोच रहा था तो या तो रोग्स भाग गए होंगे या फिर मर चुके होंगे। दोनों केस में मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, वैसे नहीं मैं बस रोग्स को पिटते हुए देखना चाहता हूँ। तभी ट्रिक्स्टर देखता है वेदर विजर्ड और गोल्डन ग्लाइडर को उस क्लोन सुपरमैन का सामना करते हुए। वहीं पर हीट वेव बेहोश पड़े मिरर मास्टर को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तब गोल्डन ग्लाइडर बैट गर्ल को रिपोर्ट करती है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ हो क्या रहा है, पर ये कोई हमसे ये कहते हुए लड़ रहा है कि वो सुपरमैन है, हालांकि ये सुपरमैन जितना ही पावरफुल है। तभी वो क्लोन गुस्सा होकर बोलता है कि मैं सुपरमैन ही हूँ, और तब वो वेदर विजर्ड पर अपनी कोल्ड ब्रेथ से अटैक करता है, जिससे वेदर विजर्ड वहीं ढेर हो जाता है। तब हीट वेव अपने गन से उस क्लोन की तरफ आग बरसाता है, साथ ही साथ वो मिरर मास्टर से ये भी बोलता है कि जल्दी उठो। तब ट्रिक्स्टर समझ जाता है कि ये लोग फंस चुके हैं। दूसरी तरफ बारबरा बैटमैन को रोग्स की सिचुएशन बताती है, जिसे सुनके बैटमैन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता।
मैं सुपरमैन की लोकेशन ट्रैक करता आ रहा हूँ और वो अभी अभी लेक्स के पास से निकला है, जिसपे बैटगर्ल कहती है कि क्या पता, पर फिलहाल मैं इतना ही जानती हूँ कि उन लोगों की हालत खराब है। इतना सुनते ही बैटमैन बोलता है कि उन लोगों को बोलो कि जल्दी से वहां से निकले, जिसपे बारबरा बताती है कि मैंने यही बोला उन्हें, पर मिरर मास्टर बेहोश पड़ा है, क्या हमें बैकअप भेजना चाहिए। जिसपे बैटमैन कहता है कि नहीं, सुपरमैन उसी लोकेशन पर जा रहा है, उन लोगों को बोलो कि अब उन्हें खुद ही सब करना होगा। तब हीट वेव गोल्डन ग्लाइडर से पूछता है कि क्या तुम मिरर मास्टर की बेल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकती। वहीं पर वो क्लोन खुद को हीट वेव की आग से बचा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और तब वो उस आग के बीच से चलता हुआ रोक्स की तरफ बढ़ता है। तब वेदर विजर्ड कहता है कि मिरर मास्टर की बेल्ट उसके फिंगरप्रिंट से चलती है, तो मैन्युअली उसकी उंगली लगाओ, इससे पहले ये फेक सुपरमैन हमारी जान ले ले। पर जैसे ही वो क्लोन वेदर विजर्ड से खुद को फेक कहता सुनता है, वो अपनी पूरी पावर से विजन बीम उन सब की तरफ अनलीश कर देता है, जिससे वेदर विजर्ड और हीट वेव उसी वक्त वेपराइज हो जाते हैं, और ये देखते ही ट्रिक्स्टर की हालत खराब हो जाती है। तभी उस क्लोन का ध्यान ट्रिक्स्टर की तरफ जाता है, जो कि उससे पूछता है कि तुम कौन हो। ट्रिक्स्टर अपना हाथ ऊपर उठा के बोलता है कि मैं कोई नहीं हूँ, पर तुम सुपरमैन हो। जिसपे वो क्लोन पूछता है कि तुम सुपरमैन को जानते हो। ट्रिक्स्टर कहता है कि हाँ, तुम्हें याद नहीं, हम दोनों अच्छे दोस्त थे। वहीं पर गोल्डन ग्लाइडर मिरर मास्टर की बेल्ट को एक्टिवेट करके तुरंत मिरर मास्टर के साथ वहां से निकलती है। तब वो क्लोन ट्रिक्स्टर के पास जाता है और अगले ही पल वो उसे उठा के कहीं दूर ले जाता है। तभी उस लोकेशन पर सुपरमैन पहुंचता है, जो कि वेदर विजर्ड और हीट वेव के स्केलेटन को देखकर साइबॉर्ग को रिपोर्ट करता है कि यहाँ दो कैजुअलिटीज हैं, किसी को बुला के यहाँ की सफाई करवाओ और कैमरा फुटेज से पता लगाओ कि यहाँ हुआ क्या। तब हम देखते हैं लेड माइंस के नीचे गोल्डन ग्लाइडर और बेहोश पड़े मिरर मास्टर को। तभी वहां बैटमैन आता है, जिसे बारबरा बताती है कि अगर गोल्डन ग्लाइडर ने सही समय पर अपनी पावर्स यूज नहीं करी होती तो ये दोनों भी मारे जाते, और वो बस इसीलिए क्योंकि वेदर विजर्ड ने उसे फेक सुपरमैन कहा। जिसपे बैटमैन कहता है कि वो सुपरमैन नहीं था। तभी गोल्डन ग्लाइडर गुस्से में बैटमैन से पूछती है कि क्या आप कोई फर्क पड़ता है। तब वहां खड़ी सेलिना कहती है कि हम जो भी करें, सुपरमैन उससे बहुत आगे बढ़ जाता है, पहले बेन, फिर टॉर्चर और अब किलर। जिसपे बैटमैन कहता है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तब सेलिना बोलती है कि हम नहीं जानते कि लीक किस हद तक जा सकती है, पर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे माफ करना ब्रूस, पर मेरा रोल अब यहाँ खत्म हुआ। मोरोको में हाई एटलस माउंटेन के ऊपर सुपरमैन का क्लोन ट्रिक्स्टर से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। जिसपे वो कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, क्या हम किसी गर्म जगह नहीं जा सकते। तब वो क्लोन ट्रिक्स्टर को कैलिफोर्निया की डेथ वैली में ले जाता है, जहाँ ट्रिक्स्टर उसे बताता है कि सुपरमैन को ऐसे किसी से भागने की जरूरत नहीं है। जिसपे वो क्लोन पूछता है कि क्या सुपरमैन बुरा है। तब ट्रिक्स्टर कहता है कि नहीं, वो बुरा नहीं है, बल्कि वो लीग का बॉस है, जो कि दुनिया में सबको बुरे लोगों से बचाता है, तो वो दुनिया का राजा है। जिसपे वो क्लोन पूछता है कि फिर सुपरमैन की राजगद्दी कहाँ है। तब ट्रिक्स्टर आगे कहता है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, पर कोई तुम्हारी जगह लिए खुद को सुपरमैन बोल रहा है, और वो तुम्हारी राजगद्दी पर बैठा है। जिसपे वो क्लोन गुस्सा होके कहता है कि कहाँ है वो। तब ट्रिक्स्टर कहता है कि तुम अगर अपनी ताकत यूज करोगे तो तुम उस बहरूपियों को ढूंढ सकते हो। दूसरी तरफ हॉल ऑफ जस्टिस में साइबॉर्ग डायना को रोक्स की लड़ाई का फुटेज दिखाता है, जिसके रेड और ब्लू ब्लर को देखकर डायना कहती है कि इस ब्लर को देख के ऐसा लग रहा है कि ये सुपरमैन है। तभी उन्हें आवाज आती है कि ये कोई बहरूपिया है। तब वो दोनों वहाँ सुपरमैन को देखते हैं, जो कि आगे बोलता है कि इसे जल्दी से ढूंढना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे नाम पर गलत काम करता फिरे। तब पूरी लीग सारे बुरे लोगों को ढूंढने में लग जाती है, जिन जिन पर उन्हें शक हो रहा होता है, साथ ही साथ सुपरमैन की आर्मी भी सबको ढूंढने में लग जाती है। तब न्यूयॉर्क में सुपरमैन लेक्स से पूछता है कि क्या तुम मुझे एक सच्चाई बता सकते हो। जिसपे लेक्स बोलता है कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो तुम्हें पता लग जाएगा। तब सुपरमैन लेक्स से पूछता है कि अकेले तुम ही हो जिसे मैं जानता हूँ क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के लिए, क्या इन सब के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तब लेक्स बोलता है कि नहीं, मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है। तब लेक्स की हार्ट बीट में कोई चेंजेस ना होने की वजह से सुपरमैन मान जाता है कि लेक्स ने कुछ नहीं किया, और तब वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया की एक सड़क पर बहुत बड़ा जाम लगा होता है। तब सुपरमैन की आर्मी के लोग एक ट्रक को घेरे खड़े होते हैं, और अगले ही पल वो सारे उस ट्रक पर फायर करना शुरू करते हैं। तभी उस ट्रक में से आवाज आती है कि फ्राइडे को हालत खराब हुई, सैटरडे को मरा और संडे को दफनाया गया। इतना सुनते ही हॉक गर्ल समझ जाती है कि वो कौन है,
और तभी उस ट्रक में से निकलता है ग्रंडी और तब वो बाहर आते ही सुपरमैन की आर्मी के लोगों की पिटाई करना शुरू करता है। तभी हॉक गर्ल ग्रंडी पर एक जोरदार वार करती है पर वो उसे एक वार में दूर कर देता है और तब हम देखते हैं सुपरमैन को वहां आते हुए। दूसरी तरफ ग्रंडी हॉक गर्ल को पटके जा रहा होता है और तब हम देखते हैं दो हाथों को ग्रंडी की तरफ आते हुए जो कि बिना रुके हॉक गर्ल को पीटते जा रहा होता है। पर इससे पहले ग्रंडी हॉक गर्ल पर अगला वार करता दो पंच एक बार में ग्रंडी के मुंह पर लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि उन दो पंचेस में से एक पंच सुपरमैन का होता है और दूसरा उस क्लोन का जो कि एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। तब वो क्लोन सुपरमैन को देखकर बोलता है कि तुम हो फेक सुपरमैन, जिसे देखकर सुपरमैन हैरान हो जाता है। तब वो क्लोन आगे कहता है कि बंद करो सुपरमैन होना, जिसपे सुपरमैन कहता है कि मैं खुद सुपरमैन होना बंद कर दूं। फिर सुपरमैन आगे बोलता है कि ये कोई मजाक तो नहीं, तुम ऐसा मानते हो कि तुम मैं हो, जिसपे वो क्लोन बोलता है कि नहीं तुम नहीं हो, मैं तुम हूँ। और ऐसा कहते हुए वो ग्रंडी को एक मुक्का मारता है। तब दो सुपरमैन को देखकर सुपरमैन की आर्मी डर जाती है और वो लोग वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तब सुपरमैन उस क्लोन से पूछता है कि क्या तुम दूसरे डायमेंशन से हो या कोई एक्सपेरिमेंट हो, जिसपे वो क्लोन बोलता है कि मैं सुपरमैन हूँ क्रिप्टॉन से, तो मुझसे बेवकूफी भरे सवाल पूछना बंद करो और चले जाओ यहाँ से। तभी सुपरमैन उस क्लोन की विजन बीम से बच के उसे मुक्का मारते हुए बोलता है कि बहुत हुआ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा दिमागी संतुलन ठीक है, तो कोई नहीं ऐसे ही सही। तभी वो क्लोन सुपरमैन के पंच से दूर चला जाता है। तभी ग्रंडी उठ के सुपरमैन को एक पंच मारता है जिसके इम्पैक्ट से सुपरमैन पास खड़ी एक गाड़ी से जा लगता है और तभी ग्रंडी अपनी बातें फिर से रिपीट करना शुरू करता है। पर अगले ही पल वो क्लोन ग्रंडी को पकड़ के आगे एक गाड़ी पर दे मारता है, ये बोलते हुए कि जो मैं नहीं हूँ उसे अकेला छोड़ दो। तब ग्रंडी भी उस क्लोन पर वार करता है जिसके बदले में वो क्लोन पास की एक गाड़ी उठा लेता है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। तभी सुपरमैन वहां आके उस क्लोन के हाथों से उस कार को ले लेता है पर इससे पहले वो उस कार के अंदर बैठे हुए लोगों को संभालता ग्रंडी सुपरमैन के पैर पकड़ के उसे जमीन पर दे मारता है। तब वो कार वापस उस क्लोन के हाथों में आ जाती है पर तभी उसे किसी की आवाज आती है। तब हम देखते हैं हेल को जो कि उस गाड़ी को क्लोन के हाथों से लेकर साइड में रख देता है और तब हेल सुपरमैन ग्रंडी और उस क्लोन के आसपास एक डोम बना देता है। फिर वो उस क्लोन को देख के कहता है कि तो ये है वो बहरूपिया, जिसपे सुपरमैन कहता है कि ये मेरी कोई बिजार अप्रोक्सीमेशन है। तभी हेल कहता है कि अरे वाह एक बिजारो सुपरमैन। तभी वो क्लोन हेल पर हमला करने जाता है ये बोलते हुए कि मैं नहीं मैं सुपरमैन सुपरमैन हूँ, ना कि नहीं सुपरमैन सुपरमैन, जिसे सुनकर हेल कहता है कि अच्छी कहानी है बिजारो। पर ये सुनकर उस क्लोन को गुस्सा आ जाता है और तभी वो अपनी पूरी ताकत से चिल्ला के बोलता है कि चुप हो जाओ। फिर वो आगे बोलता है कि अगर सुपरमैन को रिस्पेक्ट नहीं तो सुपरमैन घर चला जाएगा और तभी बिजारो वहां से उड़ के जाने लगता है जिसे रोकने के लिए सुपरमैन उसके पीछे जाता है। पर तभी ग्रंडी सुपरमैन के पैर पकड़ के उसे रोक लेता है और बिजारो वहां से चला जाता है और तब गुस्से में भरा सुपरमैन ग्रंडी के सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। तब हेल सुपरमैन से पूछता है कि क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए, जिसपे सुपरमैन कहता है कि नहीं वो आउट ऑफ साइट हो चुका है। तब हेल आगे कहता है कि अब हम इसका क्या करें, ये तो वापस एक नया सर उगा लेगा। तब हम देखते हैं लेक्स को कैडमस लैब में कुछ लोगों के साथ काम करते हुए, तभी उसे किसी की आवाज आती है। तब लेक्स देखता है सुपरमैन को ग्रंडी की बॉडी और ग्रंडी का सर उसकी लैब में रखते हुए। फिर सुपरमैन लेक्स से कहता है कि हम ग्रंडी को परमानेंटली नहीं रोक सकते, तो कोई रास्ता निकालो इसे हमारे काम में लाने का, जिसपे लेक्स कहता है कि पहले तुम मेरे पास डूम्सडे छोड़ गए और अब ये क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो। तब सुपरमैन मुड़ के कहता है कि तुम दुनिया के सबसे ब्रिलियंट आदमी हो, तुम कुछ ना कुछ सोच ही लोगे, जिसपे लेक्स कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं इसका ब्रेन वॉश कर दूं, जिसपे सुपरमैन जाते जाते कहता है कि शुरुआत इससे कर सकते हो।